जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द गेमर माइनक्राफ्ट हो या कोई और गेम, फोन की जगह पीसी में ही खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि पीसी में अच्छे ग्राफिक्स, नो लैग एंड बिग स्क्रीन पर खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। बट कभी कभी हमारे फेवरेट गेमर्स अपनी ऑडियंस की खुशी के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी ऑडियंस देखना चाहती है या उनकी ऑडियंस को पसंद होता है, जैसे चैलेंजेस, डेयर्स, डांस एंड मेनी मोर। तो कुछ टाइम पहले हमारे फेवरेट गेमर्स ने हमारी हैप्पीनेस के लिए कुछ ऐसा ही किया एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन ट्राई किया। सो आज हम मेरे और आपके फेवरेट टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर गेमर्स के फर्स्ट टाइम MCPE खेलने का रिएक्शन देखेंगे। सो अब देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। गेमर फ्लीट। तो फ्लीट भाई ने MCPE की पूरी सीरीज बना रखी है, बट जब फ्लीट भाई ने इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था तो उन्होंने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को लेकर क्या कहा, आप लोग देख लो। गाइस, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। हम लोग एक नया वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं दोस्तों। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं बिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। चलो दोस्तों, नया वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका है। ओ भाई, हम लोग कहाँ हुए हैं ये? ओ भाई, अरे पम्पकिन यार, शुरुआत में ही तोड़ दें क्या? यस। हाँ, ये आपका। देखा भाई, यार देखो, तुम्हारे भाई ने देखा जरूर है, तो मुझे पता है खेलते कैसे हैं। मुझे पता नहीं कि मतलब करेक्ट करना क्या पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बटन क्या दबाने, कुछ नहीं आता हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भाई मजाक नहीं करो, मेरे को सच्ची बताओ तो पता नहीं क्यों मजा सा भी आ रहा है फोन में। नहीं जीवांगी, लाइक कंप्यूटर में बड़ी स्क्रीन होती है, सब कुछ बहुत मजेदार लगता है, बट सच्ची बता रहा हूँ, लाइक ऐसा फोन में ऐसा लग नहीं रहा है कि यार मन नहीं कर रहा है खेलने का या फिर ऐसे कुछ, एकदम प्रॉपर मजा। नेक्स्ट है अपने टेक्नो गेमर्स उज्जवल भाई। तो उज्जवल भाई के बारे में तो आप जानते ही हो कि उज्जवल भाई ने अपना यूट्यूब करियर मोबाइल गेम से ही स्टार्ट किया था एंड स्टार्टिंग में बहुत से डिफरेंट मोबाइल गेम्स खेलते थे। बट जब उज्जवल भाई ने फर्स्ट टाइम MCPE खेला तो उनका क्या रिएक्शन था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। वैसे यार मेरे को थोड़ा सा ना डर लग रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा से माइनक्राफ्ट पीसी पे खेला है। मतलब गेम मोबाइल पीसी का दोनों का सेम है, बट यार इसके कंट्रोल्स बहुत डिफिकल्ट है यार। वाले ना, चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी फटाफट से वर्ल्ड बनाते हैं, लेट्स गो। तो भी मस्त वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है सबने, और भाई तुम लोग तो गए भाई, ऐसा बायोम मिला है मुझे, भर भर के पेड़ है। फटाफट से चलिए क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। अरे यार, इसमें ऊपर कैसे जाते हैं, पानी में अटक गए मैं। ठीक है, आ गया आ गया, फाइनली भाई। थोड़ा सा अजीब हो रहा है मोबाइल में खेलने में, मतलब गेम एकदम स्मूथ चल रहा है, बट प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी कंट्रोल्स की यार, हमने माउस कीबोर्ड पे खेला है। ओके, तो अभी हम ओल्डेस्ट मोस्ट पॉपुलर गेमर नवरीत भाई का रिएक्शन देखने वाले हैं। वैसे तो नवरीत भाई एक पीसी गेमर हैं, बट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम MCPE ट्राई किया तो उसको लेकर नवरीत भाई ने कुछ ये कहा। ये है माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन। आज पहली बार लाइफ में मैं माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन खेलने वाला हूँ। बस ऐसे ही माइंड में आइडिया आता है कि यार मतलब कि वो कितना डिफिकल्ट रहता होगा कि स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन। मेरे को लगता है कि माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जो शायद पीसी के लिए ही बनी है ऐसा लगता है, और जो अगर आप पीसी में खेलने के बाद माइनक्राफ्ट को मोबाइल पर खेलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी स्टार्टिंग में फाइंड आउट करना होगा कि यार हमको कैसे मूव करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, और देख रहा हूँ। अच्छा, ये इन्वेंट्री हमारी ओपन हो गई है। ओके, ठीक है, इन्वेंट्री ओपन हो गई है, पता नहीं कैसे होने वाला है। तो अभी हम लोग, चलो ये सेंसिटिव कितना है, ठीक है, जा रहे हैं, और इससे मूव हम लोग इससे हो सकते हैं। इससे क्या होगा, शिफ्ट का काम करेगा क्या, पता नहीं। अब मेरे को इसको तोड़ना कैसे है? ओके, मुश्किल है यार, अरे बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था कि इसमें स्पीड रन टाइप हम लोग करेंगे कि कहाँ तक। अच्छा, ओके, ठीक है यार, थोड़ा सा बहुत, थोड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा जब मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पर टच करना पड़ा और उसके बाद से काम करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, अभी बात करते हैं इंडियन क्लच बोर्ड स्मार्टीवाई की। तो जब स्मार्टीवाई ने फर्स्ट टाइम MCPE ट्राई किया तो उनका क्या रिएक्शन था, ये देखना तो बनता है। मैं आगे बताता हूँ, बट सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर अपने लिए एक वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, राइट। ओ माय गॉड, मुझे सच में तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे ना माइनक्राफ्ट बहुत ही बड़ी स्क्रीन पे खेलने की आदत है ना, एंड अब मैं जस्ट अपने हाथों में इसको पकड़ रहा हूँ, इतनी छोटी सी स्क्रीन पे खेल रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। सो अपने वर्ल्ड का नाम क्या रखा जाएगा गाइस? हाँ सोचो। यस, छोटा चेतन। ऑलराइट, तो हमारा वर्ल्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है। पहली बात तो ये गाइस कि मैंने आज तक अभी पॉकेट एडिशन में खेला नहीं है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ना इसके कंट्रोल्स सीखने पड़ेंगे। Oh my god, are you serious? मुंह के सामने क्या है गाइस, देखो एक पिलेजर का आउटपोस्ट। मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ यार, इतना लकी स्पॉन। ओके, अब यहाँ से हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, ये साइड में मुझे दिख रहा है, आई थिंक हमारा वो वाला है ना WASD वाला, तो इसके थ्रू मैं यस आगे चल सकता हूँ, और इधर से मैं अरे परे कर सकता हूँ।
प्रो बॉयज 95 इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डार्क हीरो सीरीज चलाने वाले एंड अपने फनी गेम प्ले और क्यूट बॉयज के लिए फेमस प्रो बॉयज का रिएक्शन देखते हैं। स्टार्टिंग में मैं गेम में आया हूँ, वैसे ही मुझे एक विलेज मिल गया। काज ये सबसे बड़ी चीज हो गई यार मेरे वर्ल्ड में, मजा ही आ गया एकदम। इस सीरीज में मजा आने वाला है, मतलब अभी हमको बहुत मजे ही मजे होना। थोड़ा बेड चुरा लिया मैंने इसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।